हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और आज के इस वीडियो में मैंने चैलेंज किया है अपनी बॉडी शेप को और मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कुछ नई सिल्वेट्स के साथ, क्योंकि इस पार्टी सीजन में मैं स्टाइल करना चाहती थी कुछ ऐसी आउटफिट्स जो कि ना तो टू यंग हो ना ही टू ओल्ड हो। और मुझे लगता है कि आफ्टर 40 आपकी स्टाइलिंग में इम्प्रूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सपेरिमेंट करें नए नए सिल्वेट्स के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग भी मुझसे इंस्पायर होकर ट्राई करें कुछ नई सिल्वेट्स को और समझ सकें कि एक्सेसरीज कैसे किसी भी सिल्वेट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और कैसे आप अपनी बॉडी शेप को, अपने स्टाइल को चैलेंज करके इम्प्रूव कर सकते हैं अपने पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल को। तो चलिए सीधा चलते हैं और स्टाइल कर लेते हैं हैं कुछ ऐसी ड्रेसेस जिन्हें हम यूज कर सकते हैं इस आगे आने वाले पार्टी सीजन में। तो मोर और लेस हम लोग सभी एक जैसे हैं, हम अपने बॉडी शेप को बहुत ज़्यादा क्रिप करते हैं और आप सब लोगों की ही तरह मैं भी अपनी पियर बॉडी शेप को बहुत बार क्रिटिसाइज करती हूँ। लेकिन क्योंकि इस वीडियो में मैंने चैलेंज लिया है अपने बॉडी शेप के लिए और यहाँ पर मैंने पहनी है एक शिमरी वाइट ड्रेस जो कि है मार्क्स एंड स्पेंसर से, और मेरा प्रॉब्लमैटिक जो एरिया है वो है मेरा हिप एरिया और मेरे थाइस का एरिया, जहाँ पर मुझे फील होता है कि साइड में से जो बल्जेस हैं वो नज़र आते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है एक थाई टकर पहना हुआ है और लाइक जो टमी टकर के साथ कंबाइंड थाई टकर्स आते हैं उसको मैंने पहना हुआ है, जिससे जो मेरी वेस्ट लाइन है वो अच्छे तरीके से डिफाइन हो रही है। और क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू माई मेनोपॉज ऑल्सो, तो जो मेरा लोअर अबडोमन है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लोटेड जो है फील होता है और लगता है कि आई हैव अ लूज स्किन देयर। तो उसको होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर इस टमी थाई टकर को जो पहना है, और मुझे लगता है कि जो ऐसे टकर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी एक शेप क्रिएट करते हैं किसी भी ड्रेस के अंदर। ड्रेस में मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि जो मेरी वेस्ट लाइन है वो अच्छे तरीके से डिफाइंड हो, और मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो मेरे शोल्डर्स हैं, बिकॉज मेरे जो शोल्डर्स हैं बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, इसीलिए मैंने सिलेक्ट किया है ऐसी स्लीव्स को जो कि रफल्ड स्लीव्स हैं, जिससे जो मेरे शोल्डर्स हैं थोड़ा ब्रॉड लुक दें। मैंने यहाँ एक्सेसरीज को बहुत ही सिंपल रखा है क्योंकि जो ड्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लिंजी है, क्योंकि जो एक्सेसरीज़ हैं वो आपकी स्टाइलिंग का, आपकी आउटफिट का की पॉइंट होनी चाहिए। आपकी एक्सेसरीज़ जो हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन और यूनिक होनी चाहिए, जिससे कि अगर आपकी ड्रेस बहुत कॉमन ड्रेस भी हो तब भी आपकी एक्सेसरीज़ उसको स्पेशल बना दें। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है अपना सिल्वर हैंडबैग जिसकी कि डायमंड शेप है, ऑब्वियसली जो कि एक यूनिक शेप है, आपको जल्दी से ऐसी शेप्स जो हैं नहीं मिलती हैं। साथ में मैंने पहनी है अपनी सिल्वर वॉच और एक स्टेटमेंट रिंग, और मैंने लुक को कंप्लीट किया है सिल्वर फुटवेयर के साथ। और मैंने जो मेकअप है उसको काफ़ी जैसे कहते हैं आप पेस्टल कलर्स में रखा है, और लिपस्टिक को यहाँ पर मैंने डार्क लिया है, इसलिए आई मेकअप जो है मैंने पेस्टल कलर में रखा है। मैंने बहुत ही स्मॉल सॉफ्ट लुकिंग इयररिंग्स को, जिसे आप कह सकते हैं बहुत ही फेमिनिन डेलिकेट ज्वेलरी, उसे मैंने यहाँ पर पहना है, और लुक जो है बहुत ही सॉफ्ट लुक जो है कंप्लीट ओवरऑल लुक क्रिएट हुआ है इन सारी एक्सेसरीज के साथ। तो नेक्स्ट लुक के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है अपना अलाया बाय स्टेज का ये टॉप, जिसे आप पहले के वीडियोस में देख चुके हैं, और ये ब्लैक सीक्वेंस स्कर्ट जो कि मेरी काफ़ी पुरानी स्कर्ट है ब्रांड ज़ारा से, लेकिन आपको ये स्कर्ट अब काफ़ी ब्रांड्स में जो है मिल जाएगी, लाइक H&M पर भी अवेलेबल है, मार्क्स एंड स्पेंसर पर भी अवेलेबल है, इनफैक्ट यूनिक्लो पर भी आपको ऐसी स्कर्ट्स अब जो है मिल रही हैं। और पियर बॉडी शेप के लिए और एप्पल बॉडी शेप के लिए इस किस्म के
के जो टॉप हैं लाइक सिलबट्स हैं पेपलम, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। या वो लेडीज़ जिनको लोअर अपडोमन जो उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है नज़र आता है ऐसी ड्रेसेस में, तो उन लोगों के लिए भी जो इस किस्म के टॉप हैं वो बहुत एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। और अगर आपके पास एक ऐसा शिमरी पीस हो तो उसको हमेशा आप कंबाइन करें किसी प्लेन सॉलिड पीस के साथ, सो डैट कि जो शिमर है थोड़ा सा सटल भी लगे और आप एक फॉर्मल लुक भी क्रिएट कर सकें। क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑलरेडी दो ब्राइट कलर्स का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, मरून एंड ब्लैक, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे एक्सेसराइज नहीं करना चाहती थी इस आउटफिट को, इसीलिए मैंने खाली एक गोल्ड स्टेटमेंट एयररिंग्स पहने हैं जो कि अमेजोन से हैं। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और इस किस्म की स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी स्टाइलिंग रहती है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेंथ में जो है कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो जो ये मिडी लेंथ है यानी कि जो काफ लेंथ है, एक बहुत ही डिसेंट लेंथ होती है जिसमें आप कॉन्शियस फील नहीं करते हैं। और अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसमें आपको वेस्टर्न फॉर्मल पहनना है तो ये लेंथ काफ़ी अप्रोप्रिएट लेंथ होती है। और पर्टिकुलरली ये आउटफिट तो काफ़ी अच्छी आउटफिट है उन लोगों के लिए भी जो ऑफिस पार्टी के लिए आउटफिट जो है ढूंढ रहे हो, तो आप इस किस्म के दो पीसेस को कंबाइन कर सकते हैं और अपने लिए एक पार्टी आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर मैंने जो क्लच यूज किया है वो एक एम्ब्रॉयडर्ड क्लच है जिसे मैं इंडो वेस्टर्न स्टाइलिंग मानती हूं, क्योंकि जब आप इसको वेस्टर्न सिल्वेट के साथ कंबाइन करते हैं तो भी ये क्लच जो है काफी अच्छा लगता है। और इस लुक को मैंने कंप्लीट किया है अपने ब्लैक हाई हील्स के साथ। और इससे पहले कि हम बढ़े नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, लेट मी कन्फेस वन थिंग अबाउट मी कि इस टाइम मैं बेस्ट बॉडी शेप में नहीं हूँ अपनी लाइफ के, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ये चैलेंज देना चाहती थी और इस वीडियो को बनाना चाहती थी उन सब लोगों के लिए जो कि ऐसा फील कर रहे हैं कि वो अपनी बेस्ट बॉडी शेप में नहीं हैं। यहाँ पर मैंने ट्राई किया है एक नी लेंथ ड्रेस को जिसकी जो शेप है वो स्ट्रेट कट है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिनका भी एप्पल बॉडी शेप है या पिया बॉडी शेप है और या रेक्टेंगल बॉडी शेप है, वो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं ऐसे स्ट्रेट कट्स को, सो डैट कि जितने उनके बॉडी बल्जेस हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड हो सकते हैं इस तरीके के कट्स के साथ। और ये एक शिमरी ड्रेस है फ्रॉम जारा, और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि हॉरिजॉन्टल स्टाइल होने के बाद भी ये मेरी बॉडी में एक विड्थ जो है ऐड क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि पहली बात, जो इसका फैब्रिक है वो है लाइक्रा जो कि काफी बॉडी हगिंग फैब्रिक है, और जो सीक्वेंस यूज की गई है इस ड्रेस के ऊपर वो दो कलर्स में है, शेडेड सीक्वेंस है कॉपर एंड सिल्वर कलर से, और जो डिजाइन है काफी एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन है और कुछ लूज सीक्वेंस भी है जो इस ड्रेस के अंदर है, जो कि एक कंफ्यूजन जो है इस ड्रेस के अंदर जनरेट करती है जिससे जो सामने वाले की आईज हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं। और जब आप सॉलिड कलर्स पहनते हैं तो आपने फील किया होगा कि जितने आपके बॉडी बल्जेस हैं वो नजर आते हैं, लेकिन जब आप ऐसे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स या एम्ब्रॉयडरीज को कैरी करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी से, और आप बहुत इजीली इस स्टाइलिंग ट्रिक से अपने बॉडी बल्जेस को हाइड कर सकते हैं। आई होप कि मैं इस की पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से समझा पाई हूँ इस ड्रेस को स्टाइल करके, क्योंकि इस ड्रेस में मैंने बहुत कॉन्फिडेंट फील किया। मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती हूं, लेकिन इस ड्रेस में मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, और इसीलिए शायद हम ऐसे चैलेंजेस को स्टाइल चैलेंज कहते हैं। लुक को मैंने कंप्लीट किया है ब्लैक हील्स और सिल्वर पर्ल के क्लच के साथ। और नेक्स्ट आउटफिट है वन सॉलिड कलर आउटफिट, ये है सीक्वेंस फैब्रिक में, और इस आउटफिट का सिलेक्शन करते वक्त भी मैंने इस बात पर पूरा ध्यान दिया है कि ये मेरी वेस्ट को अच्छे तरीके से डिफाइन करे। आप जो भी कट अपने लिए सिलेक्ट करें ऐसे ड्रेसेस में, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी बॉडी का बेस्ट फीचर हो उसको ज़रूर हाईलाइट करे आपका जो भी आउटफिट का कट है। एक्सेसरीज में मैंने यहाँ पर
और यूज़ किया है, अपनी एक स्टेटमेंट रिंग को और स्टेटमेंट इयररिंग्स मैंने कैरी किए हैं, क्योंकि ड्रेस ऑलरेडी काफ़ी शिमरी है तो इसलिए मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है न्यूड हील्स के साथ। और बाकी मुझे लगता है कि ऐसी ड्रेसेस में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइमलेस आउटफिट्स हैं, ये किसी भी और ये कभी भी फैशन से आउट नहीं होती हैं। आप इन्हें किसी भी रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज़ या न्यू ईयर क्रिसमस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस फैशन है और मुझे लगता है ऐसी आउटफिट आपके लिए एक मस्ट हैव आउटफिट है अगर आप फॉर्मल वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं। क्योंकि मैं इस लुक को स्टाइल कर रही थी एक रिसेप्शन पर जाने के लिए, तो इस लुक को मैंने कंप्लीट किया है गोल्ड क्लच के साथ एंड लुक बहुत ही एप्रोप्रिएट है अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं एक शार्पनेस अपने स्टाइल में। मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम ग्लिटरी शिमरी ऐसी ड्रेसेस को चूज़ करूं जिन्हें पहनने में आप थोड़ा सा हेजिटेंट जो है फील करते हैं, सो डैट कि आप देख सकें कि ऐसी ड्रेसेस को स्टाइल करना मुश्किल नहीं होता है। जैसा कि ये ड्रेस, ये है ज़ारा की लेटेस्ट कलेक्शन से, लेकिन जब मैंने इसको पहना तो मैंने थोड़ा सा कॉन्शियस फील किया, इसके जो सेंटर में स्लिट है वो काफ़ी लंबी स्लिट है, तो उसको कवर अप करने के लिए मैंने यहाँ पर पहनी है अंदर एक अपनी ब्लैक स्कर्ट, सो डैट कि मैं उस स्लिट को अच्छे तरीके से कवर कर सकूं। जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है मुझे इस ड्रेस की डिटेलिंग ने, इसमें बहुत ही खूबसूरत बटन्स हैं और बटन्स की जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम क्वालिटी आप कह सकते हैं है, और जो कि इस ड्रेस को एक बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस बनाते हैं। बहुत ही कवर अप सी ड्रेस है ये, लाइक फुल स्लीव्स की ड्रेस है और जो इसकी सिल्वेट है वो ही इसकी यूएसपी है। और इस ड्रेस को भी मैंने सिर्फ एक रेड लिपस्टिक के साथ स्टाइल किया है, एक्सेसरीज में मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट रिंग पहनी है और इसको मैंने स्टाइल किया है अपनी ब्लैक फुटवेयर के साथ। और इस किस्म की जो ड्रेसेस होती हैं वो बहुत अच्छी पिक है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील करते हैं अपने बॉडी शेप को लेकर। आप सिर्फ एक किसी ऐसे फैब्रिक को चूज़ कर सकते हैं जो थोड़ा सा शाइन मटेरियल में हो या जो थोड़ा सा ग्लिटरी हो, शिमरी हो, और आप सिल्वेट ऐसी ले सकते हैं जो बिल्कुल ही कवर अप सिल्वेट हो। और जो सबसे अच्छी बात होती है इस किस्म की स्टाइलिंग की वो ये कि ये भी काफ़ी टाइमलेस स्टाइलिंग है, और मैंने बिल्कुल इस बात को ध्यान रखा है इस वीडियो को बनाते वक्त कि जितने भी ड्रेसेस को मैं पिक करूं वो टाइमलेस सिल्वेट्स हों जो कि आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट रहे। आपको वीडियो की सारी डिटेल्स वैसे मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड हेयर कम्स माय पर्सनल स्टाइल। जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि आई एम बिग फैन ऑफ मेटालिक कलर्स, तो ये एक मिडी लेंथ ड्रेस है ब्रांड फॉरएवर न्यू से, और मैंने इसे हेड टू टो गोल्ड कलर में स्टाइल करने का डिसाइड किया। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ही ब्लिंजी जो है स्टाइल हो, आपको लगे कि दिस इज टू मच फॉर यू, बट मुझे ऐसा लगता है ऐसी ड्रेसेस को पहनने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं ऐसी ड्रेस के अंदर भी तो वो ड्रेस आपके ऊपर डिसेंट ही लगेगी, बिकॉज यहाँ पर फैब्रिक जो है अपनी बात कह रहा है, जो फैब्रिक है वो मेरे पर्सनल स्टाइल को जो है दिखा रहा है। मुझे बहुत एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो एक्सेसरीज को लेकर ना मेकअप को लेकर, ये बिल्कुल एफर्टलेस स्टाइल है क्योंकि आई लव मेटालिक्स। एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू मार्क योर प्रेजेंस इन एनी ओकेजन, गो विद मेटालिक्स हेड टू टो। बस सिर्फ आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी आप हेड टू टो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड को स्टाइल करें, हमेशा गो लेस विद द एक्सेसरीज, कभी भी ओवर एक्सेसराइज ना करें ड्रेस को और ना ही मेकअप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसी आउटफिट्स को स्टाइल करने का।
एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि मैंने इस ड्रेस को चूज़ किया है अपनी जिठानी यानी कि माई सिस्टर इन लॉ के 50th बर्थडे पार्टी के लिए, और बिकॉज वो बर्थडे पार्टी हो रही है सैन फ्रांसिस्को में और काफ़ी बड़ी पार्टी हो रही है, तो मैं अपनी प्रेजेंस को ऑब्वियसली मार्क करना चाहती थी और इसीलिए मैंने चूज़ किया इस आउटफिट को, जो मेरे लिए अपने आप में एक स्टाइल चैलेंज है। मैंने कभी भी पहले ऐसी आउटफिट्स को स्टाइल नहीं किया है अपने लिए। अपने क्लाइंट्स के लिए तो मैं ऐसी आउटफिट स्टाइल करती हूँ, बट फॉर मी इट्स माय फर्स्ट टाइम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब अपने 40s में होते हैं, 50s में होते हैं, 60s में होते हैं, तो हमारी एज हमको ये लिबर्टी देती है कि हम अपने पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल को इम्प्रूव भी करें और चेंज भी करें। एंड आई होप मेरा ये वीडियो आपकी मदद करेगा अपने पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल को इम्प्रूव और चेंज करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आप अपनी स्टाइलिंग क्वेरीज़ के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल, और मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग। Thank you.